दोस्तों फाइनली ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो परचेजिंग था उसको क्लोज कर दिया गया है और इसका जो नेक्स्ट परचेज स्टार्ट होने वाला है उसका भी डेट अनाउंस कर दिया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे जाके इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करना चाहता हूं कि इस दौरान परचेजिंग के दौरान, बुकिंग से लेकर परचेजिंग के दौरान क्या कुछ चीज़ आपको देखने को मिली, कंपनी के पास कितने रुपये का फ़ायदा हुआ है और जो कि डेट अनाउंस हुआ है अगला परचेजिंग स्टार्ट होने का, वो भी बताने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर यह भी बताने की कोशिश करूँगा कि कस्टमर को क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, एक जो प्रॉब्लम हुआ है वो क्या, किस तरीके से प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहा है। तो बाकी जो है मैं इसमें आपको सारा जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट रहता है या आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं जिसको आपको जवाब चाहिए, तो अगर मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन रहेगा तो मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं अपना फ़ोन नंबर आपको ऐड कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि आपसे आपका जो है हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊं। तो फ़ोन नंबर आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी पे आइए आप मेरे, वहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट का जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट और ईमेल का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ से मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर आपके लिए कमेंट बॉक्स तो खुला है, कमेंट पर भी आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुकिंग का लेके। तो बुकिंग इन्होंने जब स्टार्ट किया था वो 499 रुपये से आप इनकी ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर को बुक कर सकते थे, दोनों मॉडल को, S1 और S1 Pro दोनों मॉडल को आप 499 रुपये से बुकिंग कर सकते थे। और इन्होंने जब बुकिंग को ओपन किया था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं बुकिंग के बारे में बोल रहा हूँ, परचेजिंग का नहीं, बुकिंग जब इन्होंने ओपन किया था तो एक दिन में ही 1,00,000 जो बुकिंग इनके पास आ गया था, जो कि वर्ल्ड की अभी तक की हाईएस्ट मानी जा रही है, एक दिन में 1,00,000 कोई भी जो टू व्हीलर है वो बुकिंग का लेके। उसके बाद जब इन्होंने लॉन्च किया 15 अगस्त को तो काफ़ी धूमधाम से इन्होंने लॉन्च किया, और लॉन्चिंग के दौरान ही जो परचेजिंग स्टार्ट का डेट है वो अनाउंस कर दिया गया था, जो कि 8 सितंबर का इन्होंने रखा था। और जब 8 सितंबर आ गया, मतलब 15 अगस्त को जब इन्होंने लॉन्च किया, उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ आया 8 सितंबर, उस टाइम जो है इनका जब परचेजिंग स्टार्ट किया लोगों ने, तो इसका जो सबसे पहले जो परचेजिंग स्टार्ट हुआ था 6:00 से स्टार्ट होने का इन्होंने अनाउंसमेंट किया था। जब लोगों ने परचेज करना स्टार्ट किया तो इनका जो वेबसाइट है वो सही तरीके से वर्क नहीं किया, फिर इन्होंने ट्वीट करके और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे इन्होंने पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने एक क्षमा मांगा था, सॉरी बोले थे कि उनके वेबसाइट पे ये चीज़ें दिक्कत हो रही है। उसके बाद इन्होंने बोला था कि 9 बजे तक ये चीज़ें ठीक हो जाएगी, मतलब शाम को रात को 9 बजे तक ये चीज़ें ठीक हो जाएगी, पर फिर भी नहीं हुआ। उसके बाद इनके तरफ से एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया अगला डेट का कि हम इस डेट को नहीं कर पा रहे, अब आप 15 सितंबर को ये चीज़ें कर सकते हैं, 15 सितंबर के लिए इनको पोस्टपोन कर दिया गया। अब जो 15 सितंबर से जो परचेजिंग स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे सबसे बड़ा खेला स्टार्ट होना चालू हो गया, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा ये बताया गया कि काफ़ी लोगों को 5 बजे से ही वो परचेज कर पा रहे थे, और यहाँ पे जो है ओला S1 और S1 Pro के लिए आपको 20,000 रुपये का ही पेमेंट करना पड़ रहा था। अब दिक्कत ये आ रही थी कि काफ़ी लोगों को, लोग सोच रहे थे कि वेबसाइट से ही बुक हो जाएगी, मतलब परचेज हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हो रहा था। आपको जो ओला का ऐप है उससे ये चीज़ें परचेज हो पा रही थी, इलेक्ट्रिक स्कूटर इनका परचेज हो पा रहा था। अब दिक्कत ये थी कि काफ़ी लोगों को ओला ऐप पे जो है उस पर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा था परचेज करने का। तो यहाँ पे दिक्कत ये था कि प्रॉब्लम ये था, कंपनी पहले भी बता रही थी कि पहले आइए पहले पाइए का, मतलब जिन्होंने पहले बुक किया है उन्हीं को पहले परचेज करने का ऑप्शन मिलेगा और डिलीवरी भी उनको ही पहले दिया जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ कंपनी ने एस्टिमेट दिया था कि 6,00,000 जो है उनको बुकिंग मिल चुका है, 6,00,000 लोगों का उनके पास बुकिंग आया हुआ है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जिनके पास जो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, ओला ऐप पे बैनर नहीं आ रहा था, उसका कारण यही है कि अगर आप मान लीजिए आप 6,00,000 लोगों ने बुक किया है, तो आपने 6,00,000 में से आप कितने नंबर पे आते हैं उसी हिसाब से कंपनी आपके पास मेल या टेक्स्ट मैसेज करेगी। तो जिनके पास परचेजिंग का जो लिंक आता था वो कंपनी की तरफ से 1 से 2 घंटा पहले आपको मेल के थ्रू या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि आप सारे काम धाम छोड़िए, आपकी जो परचेजिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, आप इसको ओला ऐप्स के थ्रू परचेज कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज में आपको लिंक दे दिया जाता था और मेल पे भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती थी। उसके बाद जब ओला ऐप पे आप आते थे तो यहाँ पे आपको बैनर देखने को मिल जाता था, जहाँ से आप क्लिक ईयर करके आप इसके इलेक्ट्रिक स्कूटर को बाइक कर सकते थे। जिनके पास नहीं आ रहा था उनका प्रॉब्लम यही है कि आपने काफ़ी लेट से बुकिंग किया है, मतलब कंपनी के हिसाब से जैसे 6,00,000 लोग में से ही आपने लेट से किया है, इसके लिए आपके पास जब नंबर आपका आ जाएगा 6,00,000 लोगों के अंदर, उसमें से आपको एक नोटिफिकेशन या मेल आपके आईडी पे चला जाएगा, जहां से आपको 1-1.5 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अब आपका नंबर आने वाला है, आप परचेजिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, अकाउंट में 20,000 रुपये रख सकते हैं, क्योंकि आपको अकाउंट में 20,000 रुपये देकर ही पेमेंट करना होता है। तो दोस्तों ये तो हो गया पहला समस्या जिसमें काफ़ी लोगों के पास परचेजिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा था।
क्योंकि जैसा कि मैंने कारण बता दिया है। सेकंड जो दिक्कत के बारे में बात करें कि काफ़ी लोगों ने जो लोग परचेज़ किए हैं उनको भी कुछ दिक्कतें का सामना करना, जैसे कि उनको ये लग रहा है कि उनका जो ऑन रोड प्राइस है वो काफ़ी हाई दिखाया जा रहा है ओला की तरफ से, जैसा कि ओला S1 का मैक्सिमम जगह 1,10,000 ऑन रोड दिखा रहा है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जितना आपका ऑन रोड दिखा रहा है वही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर दिक्कत ये लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर जहाँ पे रोड टैक्स माफ है जिस स्टेट में, मतलब सब्सिडी और रोड टैक्स माफ है, मतलब सब्सिडी का तो डिस्काउंट मिलता है, रोड टैक्स आपको नहीं देना पड़ता, वहाँ पे भी यहाँ पे जो ओला के ऐप है उस पर दिखाया जा रहा है कि आपको रोड टैक्स इतने रुपए का लगने वाला है, जो कि 7,000-6,000 ऐसे करके रोड टैक्स दिखा रहा था। जैसे कि आप उदाहरण में ले लीजिए, जैसे महाराष्ट्र का है वहाँ पर रोड टैक्स नहीं लगता, रोड टैक्स फ्री है, बट वहाँ पर भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का रोड टैक्स शो हो रहा है, जो कि इंक्लूड करते हुए यहाँ पर ऑन रोड दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर हेलमेट का एक प्रॉब्लम आ रहा था कि हेलमेट में किसी कहीं पे 749 रुपए का दिखा रहा तो कहीं पे 1299 रुपए का। ये ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में 2 हेलमेट कंपलसरी हो चुका है, तो वहाँ पे 2 हेलमेट का प्राइस इंक्लूड करके दिया जा रहा है। बाकी अगर आप हेलमेट नहीं लेते हैं तो आपको जो इलेक्ट्रिक स्कूटर वो डिलीवरी भी नहीं किया जाएगा, मतलब हेलमेट कंपलसरी है, या तो 749 रुपए का कहीं पे है आपका हेलमेट का चार्ज लग रहा तो वो देना पड़ेगा, और कहीं पे 1299 रुपए लग रहा तो वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ें बता दूँ कि रोड टैक्स आपको इसमें देना ही पड़ेगा, और बाकी जो है जब आप इसका फुल फाइनल इनवॉइस ले लेंगे, इसका डॉक्यूमेंट ले लेंगे, उसके बाद आपको RTO से ये क्लेम करना पड़ेगा। जैसा कि आपका जब नंबर प्लेट मिलता है तो नंबर प्लेट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा कुछ सबमिट होता है RTO के पास, तब जाके आपका नंबर मिलता है, जैसे व्हीकल का इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो ये चीज़ें जो है स्टेट से ही आपको सब्सिडी मिलेगी, तो इसके लिए आपको पहले अपना नंबर रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। जैसे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो RTO को पता चल जाएगा कि आपने लिया है और आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट कर दिया जाएगा, जो सब्सिडी है वो माइनस कर दिया जाएगा, और जो सब्सिडी का जो बैलेंस बचता है, जो डिस्काउंट होता है, वो डायरेक्ट आपके खाते में आपके अकाउंट नंबर पे, बैंक अकाउंट नंबर पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये प्रोसेस है, मतलब आपको पहले क्लेम करना होगा तभी जाके आपको सब्सिडी का फ़ायदा मिल पाएगा। और ये भी क्लेम करने के लिए आपको जब एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं उसी पे आपको मिलेगा, अगर आप दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं तो उस पे ये क्लेम आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी ब्रांड का क्यों ना लें। एक बार एक पर्सन पे एक ही बार आपको सब्सिडी मिलने वाली है। अगर आप टू व्हीलर ले रहे तो आपको उसमें एक बार ही मिलेगा, अगर आप फोर व्हीलर ले रहे तो उसमें आपको एक बार मिलेगा। अगर आप फिर से दोबारा फोर व्हीलर या दोबारा इलेक्ट्रिक स्कूटर दूसरा खरीद रहे हो उस पर भी सब्सिडी पाना चाहते हैं तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर यही मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो भी ऑन रोड दिखाया जा रहा है वही आपको देना पड़ेगा। और दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी चीज़ आपको फेस करना पड़ रहा था कि काफ़ी लोगों को EMI पे ऑप्शन चाहिए था, फाइनेंस करवाना चाहते थे, तो फाइनेंस का भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि अभी कंपनी की तरफ से यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। बाकी हो सकता है कि बाद में इस पे अपडेट किया जाए, बट यहाँ पे फाइनेंस दिया जाएगा, इसमें EMI दिया जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि जो ओला S1 है उसमें 2,099 रुपये से आप हर मंथ का EMI दे के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीद सकते हैं। ओला S1 प्रो के लिए 3199 रुपये का, मतलब 3200 रुपये का आपको हर महीने का EMI भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ें तो आपको अब तक जहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। सब्सिडी का जो बात करें, इसमें जो सब्सिडी है, दो सब्सिडी होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फ़ायदा कस्टमर को नहीं मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फ़ायदा जो है कि जो कंपनी है उनको दिया जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि जो ओला की S1 है उसका 1,99,999 है, मतलब 1,00,000 का जो एक्सोरूम प्राइस है वो उसका हाई था प्राइस। जैसे कि स्टेट्स जो सब्सिडी होती है 40,000 रुपये तक सब्सिडी दिया जाता है, सेंट्रल सब्सिडी दिया जाता है, तो वो चीज़ें जो कंपनी है उनको फ़ायदा होता है। तो मतलब आप मान के चलिए कि 1,40,000 का स्कूटर था तो कंपनी को सब्सिडी मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका जो प्राइस है वो डिस्काउंट देने के बाद 99,999 रुपये कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे जब आपको अब कस्टमर का जो फ़ायदा होता है वो स्टेट सब्सिडी से होता है। तो दोनों चीज़ अलग अलग है, सेंट्रल जो सब्सिडी वो कंपनियों के लिए है, जो स्टेट सब्सिडी है वो कस्टमर के लिए है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी। बाकी कोई भी सवाल आपका होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आइए और वहाँ से मुझे फ़ोन कर सकते हैं।
अब यहाँ पे बात करें कि इनका जो परचेजिंग स्टार्ट हुआ था जैसे 15 सितंबर और 16 सितंबर दो दिन के लिए इन्होंने परचेजिंग को स्टार्ट किया था। 16 सितंबर को शाम 6 बजे से इन्होंने पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि आपके पास सिर्फ 6 घंटे हैं। उसके बाद बताया गया 9 बजे कि आपके पास सिर्फ 3 घंटे हैं, मतलब 12 बजे 16 सितंबर को रात 12 बजे तक ही परचेजिंग को ऑन किया गया था, स्टार्ट किया गया था। उसके बाद ये बंद हो जाता, बट फाइनली लास्ट मोमेंट में जैसे कि 11 मतलब समथिंग 12:15 बजे इन्होंने पोस्ट किया कि अब 3 बजे तक आप कर सकते हैं, मतलब रात को ही 16 सितंबर के बाद जो रात वाला 17 सितंबर होता है और रात वाला जो सुबह होता है 3 AM उस टाइम तक आप इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज कर सकते हैं। तो मैंने ये अपडेट देखा था तो मैंने तुरंत 12 बजे ही इसके ऊपर छोटा सा एक क्लिप वाला वीडियो अपलोड कर दिया था जो कि आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका हेल्प हो पाए अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेना चाहते हैं। अब मेरे थ्रू जैसे आपने सोचा होगा 12 बजे बंद हो जाएगा, बट अगर मैं आपको अपडेट कर देता हूँ 3 बजे बंद होगा तो आपके लिए बेनिफिट ही हुआ, आपके लिए एक हेल्प ही हो जाता है। तो इसलिए मैं उसको 12 बजे ही छोटा सा क्लिप बना के अपलोड कर दिया था। तो यहाँ पे चीज़ें ये था कि इसको थोड़ा सा आगे कर दिया गया अब था। इस बीच में कंपनी को क्या कुछ फ़ायदा हुआ है, तो सबसे पहला जो अनाउंसमेंट किया गया था कंपनी की तरफ से, जो पहला दिन परचेज हुआ था उनका इलेक्ट्रिक स्कूटर 15 सितंबर के दिन, उनको 600 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ था। उसके बाद आज जब अपडेट आ रहा है मतलब 15 और 16 सितंबर दोनों दिन मिला के इनके पास 1100 करोड़ रुपए का बेनिफिट हो चुका है, मतलब एक भी बाइक अभी डिलीवर नहीं हुआ है बट कंपनी के पास 1100 करोड़ रुपये आ गए हैं। भाई इतना बड़ा फैक्ट्री बनाया तो इनके पास दिमाग तो होना चाहिए, पैसा तो आना चाहिए, तो पैसा तो इनके पास आ गया है। बाकी अगर डिलीवरी डेट के बारे में बात करें तो ये बता रहे हैं कि 25 अक्टूबर से ये डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे, और ये मतलब 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक जिनका भी बुकिंग हुआ है, परचेजिंग हो चुका है, उनको डिलीवर करना स्टार्ट कर देंगे, एक महीने में डिलीवर कर देंगे। और जो है कि डिलीवरी है वो चीज़ें आपको होम डिलीवरी देखने को मिलेगी। और लास्ट टाइम मैंने वहाँ पर बताना भूल गया, जो वहाँ पर हैंडलिंग चार्ज है वो मतलब मान लीजिए डिलीवरी चार्ज लिया जा रहा है, जो आपको घर तक दिया जा रहा है उसी के लिए वो चार्ज लिया जा रहा है। जो भी बंदे आएंगे उनको भी तो भाई एक सैलरी देना है कंपनी को, तो इसके लिए वहाँ पे जो डिलीवरी चार्ज है जिसको हैंडलिंग चार्ज बोला जा रहा है वो भी आपको पेमेंट करना पड़ता है जब परचेजिंग आप करते हैं। तो सारा कुछ मिला के ही वहाँ पे ऑन रोड दिखा रहा था। अब यहाँ जो है टेस्ट राइड के बारे में बात करें तो कंपनी बता रही कि अक्टूबर में ही टेस्ट राइड दिया जाएगा, शायद घर टू घर जाके ये चीज़ें आपको मतलब टेस्ट राइड के लिए कंपनी बता सकती है, या फिर कहीं पर एक सेपरेट लोकेशन आपको देगी जहाँ पर जाकर आपको टेस्ट राइड करना है। और यहाँ पे मैं बता दूँ अगर आप टेस्ट राइड करते हैं और आप इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको पसंद नहीं आता है तो आप इसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं, मतलब इनका जो कैंसिल भी कर सकते हैं, आपको फुल्ली रिफंड कर दिया जाएगा, जिसके लिए 10 दिन का समय ले रही है कंपनी। मतलब आपने बुक भी किया तो वो कैंसिल करेंगे तो फुल रिफंड हो जाएगा 499। अगर आपने बुक करने के बाद परचेज भी कर लिया और टेस्ट राइड भी कर लिया है उसके बाद अगर आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं परचेज करना है तो भी आप कैंसिल कर सकते हैं, जिसमें आपका सारा रिफंड हो जाएगा, जो भी आपका अमाउंट था 20,000 और 20,500 जो भी आपका था वो सारा कुछ आपको फुल रिफंड कर दिया जाएगा, 10 दिन के अंदर आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे डिलीवरी डेट तो सब कुछ मैंने बता दिया कि 25 अक्टूबर से डिलीवरी डेट स्टार्ट होगी। अब फाइनल बात करते हैं कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट परचेज डेट कब देखने को मिलने वाला है। तो मैं जानता हूँ कि आप ये काफ़ी इसी को सुनने के लिए काफ़ी स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं, बट मैंने सोचा कि पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो चीज़ें बता दें, हालांकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए अब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है 1 नवंबर 2021 से, मतलब अक्टूबर आने वाला मंथ अक्टूबर पूरा ख़त्म हो जाएगा, जो नवंबर स्टार्ट होगा 1 तारीख से आप इनके परचेजिंग को ले सकते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक स्कूटर की परचेजिंग स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि जो प्रोसेस है वही रहने वाला है, ओला की ऐप से ही आप परचेज कर पाएंगे। टाइम टू टाइम ओला के ऐप को अपडेट करते रहिए और आपके पास जब भी परचेजिंग का नंबर आ जाएगा आपको मेल के थ्रू मैसेज के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा लिंक, वहां से आप कर सकते हैं। बाकी पूरा प्रोसेस जानने के लिए इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारा वीडियो बनाया हुआ है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी होता है तो मैंने बता दिया है कि क्या करना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बाकी मैं रिक्वेस्ट तो करूंगा ही, मेरा काम है आपसे रिक्वेस्ट करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राइड विद बाइक।